मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज, मैं जैन धर्म में जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहां केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा, अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, और धर्म क्या है, धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है, ये संप्रदाय है या क्या है या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है, इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। आप कैसा कहा इस्लाम मेन है? भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना, मैंने तो नहीं लिखा हूँ। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12-14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही शैल स्पीक। ये दे रहे है कि एक आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल कर रहे, कुछ लोग कबूल करने से डरते, फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं, आप लेके आओ बाइबल पढ़ो मेरी बात, ये कल की पुराना है ही क्या नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यक्षा है वो फॉलो करो, जो यक्षा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाइत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम है, सारे में यक्षा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म यकसान है, धो ही नहीं सकती, कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालविला कलिमत इन सवा इम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तलाफ पे, लेकिन मेरा काम इख्तलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं। मैं अगर तकरीर करने लगूं कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है तो और लंबी तकरीर कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूं ना, और मैं कहता हूं कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ किया था, श्री श्री रविशंकर
हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। आप एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है कि इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता सिर्फ मुंह से बोलता है वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना, मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहां ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा भाई, हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात, मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं मुझे आजादी इस देश में, अगर किसी को आने का मुकाबला करने का तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है, यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं, यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं बराबर, सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है, मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है।